नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जब भी सवाल देश का हो तो हमें ये कुछ देर के लिए भूल जाना चाहिए कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या अपोज करते हैं, और साथ में हमें ये भी भूल जाना चाहिए कि हमारा निजी धर्म या जाति क्या है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सत्ता में है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछें, और ये बात सेंटर या स्टेट्स हर जगह एप्लीकेबल है। जैसा कि हमें पता है कि साल 2014 से एनडीए या स्पेसिफिकली कह लें कि बीजेपी सत्ता में है, और इनके द्वारा काफी सारे पॉलिसीज को बनाए गए हैं, जहां पे कुछ पॉलिसीज तो काफी अच्छे हैं, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी पॉलिसीज बनाए गए जो कंप्लीट तरीके से एक डिजास्टर साबित हुआ, और इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो देश पे पड़े, आज भी वो देखने को मिलता है। जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि नोटबंदी और जिस तरीके से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, ये भारत की इकोनॉमी को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। वहीं पे अगर बात किया जाए कोविड-19 के बारे में, तो इसके ऊपर तो खैर दुनिया में किसी भी सरकार के ऊपर कंट्रोल नहीं था, लेकिन अगर बात किया जाए कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रोसेस का, तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने बड़े देश में कोविड-19 के वैक्सीनेशन को चलाएं और सक्सेसफुली सभी लोगों को वैक्सीनेट किए, ये अपने आप में काबिले तारीफ का एक पूरा प्रोसेस था। और इस बात को मैं नहीं मान रहा हूं, बल्कि इस बात को WHO भी मल्टीपल टाइम्स माना। लेकिन साथ में जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन को किया गया और जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, ये कंप्लीट तरीके से भारत की इकोनॉमी को काफी पीछे लेके चला गया है। ये हो सकता है कि सरकारी आंकड़े में ये दिखाया जाए कि भारत का जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छा है, लेकिन इस चीज से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, कहने का मतलब है कि मोर देन 50% या 50% के आसपास का जो पैसा है वो भारत के 1-2% लोगों के पास में है, और जो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो बहुत कम पैसों में चल रहा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपको देश को चलाना है, तो जब तक कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होगा, तब तक भले कागज में दिख सकता है कि वो देश के जीडीपी काफी ग्रो कर रहा या जीडीपी कलेक्शन काफी अच्छा है, लेकिन वो देश अंदर से कमजोर होता हुआ जा रहा। ये हमारे सामने द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, जहां पे बताया गया है कि किस तरीके से भारत में अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस में जो लोग काम करते थे उनका जो नंबर से वो काफी घटा है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने भी कितनी बार देखा कि हमारे आसपास कुछ छोटे मोटे फैक्ट्रीज होते हैं, जहां पे 10 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग काम करते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे काम करने के लिए कोई खास स्किल का जरूरत नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसी चीज को देश की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक जो अनस्किल्ड आदमी है या इनफैक्ट औरत है, उनको भी रोजगार मिल रहा, और किसी भी तरीके से एट द एंड ऑफ द डे उनके पास कुछ पैसे हैं जिसके मदद से वो अपने फैमिली को चला सकते हैं। लेकिन क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी को जिस तरीके से लाया गया, और इसके लाने के पहले जिस तरीके से डिस्कशन करना चाहिए था या ड्राई रन करना चाहिए था चीजों को, उस तरीके से नहीं किया गया, और कुछ मुट्ठी भर लोग ये मान बैठे कि जो उनको लगता है वही सही लगता है। सो ये हमारे सामने गवर्नमेंट का डेटा है। अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से अगर आप इसको समझना चाहें, तो आप स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हैं, जहां पे 2015-16 में जो छोटे मोटे कारखाने या वर्कशॉप थे उनका भी नंबर 2022 के कंपैरिजन में अधिक था, और वहां पे जो लोग काम करते थे वो लोग भी अधिक काम करते थे। और ये बात उत्तर प्रदेश हो गया या वेस्ट बंगाल हो गया या बिहार हो गया, सभी जगह आपको कॉमन देखने को मिलेगा कि जो छोटे मोटे कारखाना में लोग काम कर रहे थे उनका नंबर काफी घटा है। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ तो भले हमें ये बताया जाए या हमें ये दिखाया जाए कि देश की जो जीडीपी है वो काफी बढ़ रही है या जो जीडीपी का कलेक्शन है वो काफी अच्छा हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ वैसा ही है जिसको कि आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें, तो आप एक ब्रिज से पास कर रहे हैं और जिस ब्रिज में 7 या 8 पिलर्स हैं, जिसमें कि आप हर रोज क्या कर रहे हैं कि आप 1 या 2 पिलर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं और बाकी सारे पिलर्स को आप छोड़ दिए हैं, और आप ये अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि 2 पिलर को हम इतना मजबूत बना देंगे कि वहां से पूरा रेल गुजर जाएगा। लेकिन एक समय हमारे सामने ऐसा आएगा कि वो जो 2 पिलर्स हैं वो किसी भी तरीके से उस पूरा रेल का भार को नहीं उठा पाएगा। और साथ में हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग आते हैं, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग आते हैं जो किसी पॉडकास्ट में जाके ये बोलते हैं कि भारत में जो बेरोजगारी है उसके पीछे का वजह है कि लोग सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो बेरोजगार हैं। लेकिन एक बात आप समझिए कि भारत के किस स्टेट या किस डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा कि वहां पे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा, और अगर काम किया भी जा रहा तो गवर्नमेंट उसके बारे में डेटा रिलीज क्यों नहीं करते हैं? जब मैं गवर्नमेंट कह रहा हूं तो मैं सिर्फ सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं स्टेट्स की भी बात कर रहा हूं।
जितनी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है रोजगार देने के लिए, उतना ही जिम्मेदारी बनता है स्टेट्स का भी। चाहे बात किया जाए रूलिंग गवर्नमेंट का या बात किया जाए प्रीवियस गवर्नमेंट का, तो कहीं ना कहीं सभी सरकार अपने हिसाब से एक अच्छे से डेटा को रिलीज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो डेटा को रिलीज करेंगे तो उसमें सरकार के द्वारा क्या काम किया गया है वो पूरा रिपोर्ट कार्ड उसमें पब्लिश हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो सरकार के अगेंस्ट में ही काम करेगा। अगर आप इसी आर्टिकल के बॉटम में आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऑलमोस्ट 44 या 45% जो देश में रेवेन्यू जनरेट होता है या उसके जनरेशन के लिए जो काम किया जाता है वो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम किया जाता है, और वहां पे लोग लगभग 75% लोगों को वहां से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये नंबर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर आप आज भी देखेंगे तो जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग पे देश को फोकस करना चाहिए उस तरीके से देश आज भी फोकस नहीं कर रहा। एज एन एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कोट करूँ आप लोगों के सामने, तो ऑलमोस्ट 1992-93 तक भारत का जो GDP ग्रोथ था वो मोर और लेस चाइना के बराबर था, लेकिन आने वाले कम से कम भी तो 30 सालों में भारत चाइना के नजदीक भी नहीं पहुंच पाएगा। और लगभग 92-93 के आसपास ही तब से चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, और भारत में अभी भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी भी ऑन पेपर्स है। साथ में अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से 2016 में डीमोनेटाइजेशन को किया गया था, इसके खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या यूं कह ले कि वो ऑलमोस्ट सारे अधिकारी थे जिनकी अच्छी समझ है देश की इकोनॉमी को लेके, जहां पे सरकार का ये मानना था कि अगर डीमोनेटाइजेशन होगा तो ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग जैसे चीजों के ऊपर कंट्रोल लगेगा। लेकिन हकीकत यह है कि ना तो कभी करप्शन इस दुनिया से खत्म हुआ था, ना तो कभी दुनिया से करप्शन खत्म होगा। लेकिन जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन को किया गया, इसका जो असर पड़ा ये सबसे अधिक पड़ा आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ऊपर, और जितना जो मनी सर्कुलेशन था मार्केट में वो ऑलमोस्ट मनी सर्कुलेशन वापस आ गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। जो नहीं आ पाया वो 0.07% तक, कहने का मतलब है कि 1% से भी कम पैसा। तो अगर आप ओवरऑल अगर आप सरकार का अचीवमेंट देखेंगे डीमोनेटाइजेशन को लेकर, तो ये कंप्लीट तरीके से एक डिजास्टर है। और उसके बाद जब सरकार नया नोट को प्रिंट करते हैं तो उस नया नोट को प्रिंट करने में भी काफी पैसे खर्च होते हैं, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगता है। अगर आप साल 2017-18 की अगर आप बात करें तो जो प्रिंटिंग में जो पैसे खर्च हुए थे सरकार के वो हुए थे हमारे 4,912 करोड़ रुपए। वहीं पे अगर आप साल 2016-17 को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लगभग ये 7,965 करोड़ सरकार ने सिर्फ खर्च किए थे नोट को प्रिंट करने में, और ओवरऑल अगर आप इसका बेनिफिट देखेंगे तो ऑलमोस्ट नो बेनिफिट था। और जो लोग इस भगदड़ में मारे गए थे वो अलग था, और उसके बाद मल्टीपल जो छोटे मोटे वर्कशॉप थे वो सारे के सारे बंद हो गए। और साथ में अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से भारत में जो मिडिल क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं ये सबसे ईमानदारी से अपने टैक्स को पे करते हैं, और उसके बाद भारत में जो टैक्स का बोझ है वो सबसे अधिक यहाँ के मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर ही पड़ता है। और जहां तक बात किया जाए कोविड के बारे में, तो यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है कि कंप्लीट लॉकडाउन के टाइम में कितना ज्यादा ना कि सिर्फ भारत को बल्कि पूरे दुनिया को नुकसान हुआ था। तो कहने का मतलब है कि ये जो डेटा रिलीज किया गया ये अभी भी कंप्लीट डेटा नहीं है, और कोई भी सरकार इस तरीके का डेटा रिलीज करने से बहुत ही बचते हैं, या इनफैक्ट इस टाइप के जो न्यूज है उसको वो एड्रेस करने से भी बचते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।